Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Okay, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने न्यू कैमरा की विच इज GoPro 10 और उसका मैं रिव्यू करूंगी, उसकी पैकेजिंग बताऊंगी और वो कैसा है कैसा नहीं है. तो आज हम बात करेंगे अपने कैमरा के बारे में विच इज GoPro 10. सो विदाउट एनी वेस्टेड ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अ न्यू व्लॉग. जी, सबसे पहले तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मेरा GoPro कैमरा आया था और ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है. इसमें भी थोड़ा सा डस्ट लग गया है बिकॉज रखा हुआ था. तो मुझे खूबसूरत पाउच है कि मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो यू कैन टेक इट विदाउट एनी डाउट कि वो टूट जाए या कुछ हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है. तो सबसे पहले तो हमने इसकी इस तरह से, ये है पॉकेट और इस तरीके से ये होता है. तो सबसे पहले जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें से आ जाती है हमारी ये बॉक्स और जो हमारी डायरेक्शन बुक्स होती हैं और हमें बताती हैं कि हमें क्या क्या करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये GoPro का इस तरह का एक कार्ड और ये स्टिकर्स हैं, ये आप पेस्ट भी कर सकते हैं. और उसके अंदर हमारी सारी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि हम किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड निकाल सकते हैं हमने. और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो कि वो इसी कार्ड के पीछे हमें ये मेंशन किया हुआ है कि जब हम ये कैमरा इस्तेमाल करें तो हम इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली जो है हमारी वीडियोज़ है वो हमारे मोबाइल में आ जाती हैं एंड बहुत ईजी हो जाता है उसको व्लॉग बनाना या फिर उसको जो है आपने एडिट करना है, आपने वॉइस ओवर करनी है, आपने कुछ भी करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है. क्योंकि जिसके बाद ये कैमरा मैंने जो है वो दरअसल अपने जो है वो स्टिक से अटैच कर लिया था, तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं. उसके अलावा जब हम खोलते हैं तो मेरे पास जो है वो एक ये था विच इज़ मेरे कैमरे का खूबसूरत सा कवर जो कि मैं अपने कैमरे पे लगा सकती हूँ और इसको मैं अंडर वाटर भी वीडियो बना सकती हूँ. उसके बाद आ जाते हैं कुछ टूल्स जो कि कैमरे के हैं और इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं पता. उसके बाद हमारा ये आ जाता है, अब ये भी मुझे नहीं पता बट कुछ इस तरह से है मे बी कैमरे का. उसके बाद हमारा एक इस तरह का टूल है और ये भी कैमरे में यूज होगा ऑब्वियस. के बाद वेलकम टू माय कैमरा, टनान एंड लुक दिस ब्यूटी यार, कितना कोई खूबसूरत है. और यहाँ पे जरा इसके स्टिकर का निशान है और ये इसका लेंस है जो कि बैक साइड पे है और इसको एज अ फ्रंट भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और मैं अपनी वीडियो इधर से देख सकती हूँ. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है GoPro का टैग और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10 इन ब्लैक GoPro और ये मोड्स हैं और ये ऑन एंड ऑफ का है. सो लुक दिस ब्यूटी, कितना कोई खूबसूरत ये कैमरा है. यू गाइस कैन सी हाउ प्रिटी इज इट. यस, दिस इज़ माई GoPro 10 और इसका ये जो लेंस है ये भी रिमूव हो सकता है इफ़ इन केस आपके इस लेंस पे स्क्रैचेस आ जाए या कोई चीज़ मतलब लग जाए या टूट जाए या कुछ भी है. तो GoPro 9 में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था बट GoPro 10 ने हम लोगों को ये ऑप्शन दिया है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं इफ़ इन केस ये टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. अच्छा, अब इस कैमरे को मैं अटैच करूँगी अपनी ये GoPro स्टिक की जो कि इस तरह की है और ये बड़ी कोई खूबसूरत और बड़ा इसकी जो क्वालिटी है वो आप लोग देख सकते हैं. और यहाँ पे भी मेंशन है GoPro और इसकी भी काफ़ी सारी डायरेक्शंस हैं. इसको आप इसको तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं भी आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ. बट सबसे सही से जब मैं इस पे काम करूँगी तो मुझे और पता चलेगा और मैं आप लोगों को डिटेल में बता पाऊँगी. बट दिस इज़ GoPro की ट्राइपॉड स्टिक और इसमें मैं अब कैमरा अटैच करती हूँ. अच्छा, कैमरा कैसे, तो अब जो है वो मैं इस GoPro कैमरे को जो है वो अटैच करने वाली हूँ अपने इस ट्राइपॉड स्टैंड से और ये इस तरीके से कुछ होगा. ये मैंने आई किसी नज़र आ रहा है और इसको बाद में इसको फिक्स कर देती हूँ. इस तरीके से ये कैमरा मेरा अटैच हो चुका है. अच्छा, इसका एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको मूव ऑन कैसे कर सकते हैं. आप इसको मूव ऑन इससे कर सकते हैं, इसको आपने हल्का से इस तरीके से करना है एंड इट्स लाइक किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से. सो आई एम गोना डू इट और उसके बाद मैंने इसको लॉक कर दिया. सो ओ माय गॉड, लुक एट मैन, लाइक दिस इज सो, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस. उसके बाद मैं इसको करने लगी हूँ ऑन और ऑन हमने करना है ये ऊपर से. वाओ, ये तो ऑन हो गया और मेरी वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गई. ओ माय गॉड, लुक एट दिस,
वाओ। अच्छा ये और ऊपर से ही ये जो है वो पावर ऑफ हो गया, मैंने अब इसको दोबारा ऑन करना है एंड ये ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोगों को नजर आ रही है, अच्छा ये स्लाइड टू अनलॉक योर कैमरा, मतलब अब आप कुछ भी करेंगे जब तक आप इसको स्लाइड को अनलॉक नहीं करेंगे आपका कैमरा अनलॉक नहीं होगा। सो आई एम गोना शो यू, ये इस तरीके से ये आपका अनलॉक हो गया एंड आई विल मेक माय वीडियो एंड ये बड़ा खूबसूरत हो गया एंड आई विल मेक माय वीडियो एंड ये बड़ा खूबसूरत बन रहा है भाई। व्लॉगिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ वीडियो क्लिप्स मैं इस कैमरे से भी लेकर इसमें इस व्लॉग में अपलोड करूंगी। तो इस कैमरे से जो है वो आपके स्लो मोज बहुत अच्छे बनते हैं और आप इसके जो शॉट्स होते हैं वो बहुत जबरदस्त और अमेजिंग होते हैं। सो आप इसकी ब्यूटी के ऊपर तो बिल्कुल जाइए, लाइक ये बहुत खूबसूरत है एंड बहुत ज़्यादा हैंडी है कि मतलब आप इसको बैग में रख के भी ले जा सकते हैं। उसके लिए मेक श्योर कि आपके हालात अच्छे होने चाहिए, लाइक कोई थप्पड़ मार के आपसे ये ले ले तो आपको देना पड़ेगा, तो प्लीज़ दे दीजिए। बट फॉर मी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। अभी अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये है GoPro 10 एंड विश मी लक कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हो और मैं इसके बारे में और भी चीज़ें सीखती जाऊँ और आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और दूसरा ये खास मकसद था वो आप लोगों को बताने का ये था कि मैंने एक कैमरा लिया और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी व्लॉगिंग ऑफिशियली बड़ी अच्छी अच्छी तरीके से, क्योंकि बीच में मेरा बड़ा गैप शैप आ जाता है तो लोग जो है वो इंट्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। तो आई मेक श्योर कि अब वो इंट्रैक्शन ख़त्म ना हो और मैं वीडियोज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली बनाती रहूं और उसको अपलोड करूं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो ज़रा सी भी आपके काम आई हो या थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव द थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखें एंड इंशाल्लाह अप टू यू नो कमिंग व्लॉग्स में फैजान भी मेरे साथ होंगे एंड वी वर्क टुगेदर और हम बनाएंगे एक साथ व्लॉग। सो होप यू गाइज like this video. अब मुझे दुआ में याद रखिए, शब खैर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।